सभी को मेरी तरफ से फिर से राधे राधे, और राधे राधे कहते कहते सारे काम कीजिए, सारे काम अच्छे ही होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं होता। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज़ लाइक अ लिटिल विक स्मॉल लाइक अ पिम्पल ऑन योर फेस। क्यों? हम अर्थ पर रह रहे हैं, जो अर्थ पर नहीं रह रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स पे हैं, वो हमें देख रहे हैं, उनके लिए हम उनके गाल पे पिंपल के बराबर हैं। तो इतना समझ लीजिए, उस पिंपल से जितना दर्द होता है ना, उस पिंपल की, उस पिंपल को बन जाइए, वो पिंपल बन जाइए इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने ये कह दिया, इंटरनेशनल मार्केट को भी मैं काफ़ी सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जैसी मार्केटिंग आपको चाहिए मैं बताऊँगा, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। और एक्सपीरियंस होल्डर्स को दबा के रखना ये मेरा काम नहीं है, उन्हें निकालना काम है। चाहता मैं मुंबई भी जा सकता था, बट नहीं, दिल्ली तक तो सारे सपोर्ट हैं, प्लेटफॉर्म है मुंबई तक जाने के, लेकिन दिल्ली से पहले पहले कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, ना आईआईटी कॉलेजेस हैं, ना भी कोई भी ब्रांच है। मैं चाहता हूँ हर एक सिटी में एक आईआईटी कॉलेज हो, जिसमें बच्चे एक दूसरे को पढ़ाएं, डिस्कशन ज़्यादा करें, क्योंकि डिस्कशन से ही चीज़ें ज़्यादा आती हैं, किताबी नॉलेज नहीं चाहिए। जितना हो सके आपस में डिस्कशन करवाएं, एग्ज़ाम हो जाए सीबीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होंगे उसमें क्या होगा, 3 आवर्स का जो टाइम मिलता है, 245 मिनट्स स्टूडेंट्स के लिए होंगे, खुद पे खुद, कोई स्टूडेंट्स एक दूसरे से पूछेगा नहीं, और लास्ट 15 मिनट्स जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह हैं जो आपस में डिस्कशन करना है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा बस, और कीजिए उतना ही जितना आपको आता है। अदरवाइज अब सीबीएसई बोर्ड में भी नेगेटिव मार्किंग होगी इस साल से, और नेगेटिव मार्किंग मैं क्यों देना चाह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक मोटिव है कि करोगे उतना ही जितना तुम्हें आता है, ज़्यादा करने के पीछे भागने वाला भी आपस बाद में पछताता है, इसलिए करो उतना जितना आता है। ज़्यादा करने की कोशिश में अपने आप को ही टेंशन दे बैठोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, ठीक है। तो ये सजेशन था मेरी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी। और क्वेश्चन पेपर तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन करके रख रखे हैं, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड जो भी एफिलिएटेड है, यहाँ के चलते कॉलेजेस से बैनर हो गया, जो भी हो गया, अलग अलग सिटी में अलग अलग नेम है स्कूल्स और कॉलेजेस के जो भी एफिलिएटेड है। मैं चाहता हूँ ये आईआईटी से एफिलिएटेड हो जाए ऑल, सारे के सारे, और जितने भी स्टूडेंट्स फैकल्टीज चाहिए, फैकल्टीज मेरे पास बहुत है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए, क्योंकि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन और अ बिजनेस मैन हु ज्वाइन आर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेक योर ट्रस्ट फर्स्ट एंड देन यू मेक आफ्टर दैट। वो जैसे जैसे जो कुछ नेता होते हैं, जो बिजनेस मैन होते हैं, हाथ जोड़ के तो भैया विश्वास जीत लेते हैं, फिर बाद में भरोसा तोड़ देते हैं। मैं वो नहीं हूँ, मेरे पास सपोर्टर है क्या, पब्लिक, बच्चे। अगर किसी के पेरेंट्स को समझ में आता हूँ तो ठीक है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, क्योंकि उनके 2 18+ बोर्ड से मेरा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। क्यों? YouTube बच्चा बच्चा यूज़ करता है, उसका सपोर्ट मनी देगा मुझे इंटरनेशनल मार्केट से, मैं उस इंटरनेशनल मार्केट से मार्केटिंग करके उस मनी को, इंडिया को डेमोक्रेटिक तो बना ही दिया है, देख लेना इंडिया कितना डेमोक्रेटिक हो गया आफ्टर लॉकडाउन, यू विल सी दैट। और जितना मैं चाहता हूँ, जैसे जैसे अगर ऐसा ये एकता बना के, यूनिटी तो आप लोगों ने कल दिखाई दी है, रात में 9 बजे से 9 मिनट तक इतनी यूनिटी दिखाई है, बल्कि आपसे 9 मिनट के टाइम मांगा था, आपने 15-20 मिनट टाइम कर दिया उसको। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख कर कि हाँ, हमारा देश बदल चुका है। लेकिन हाँ, और कुछ हमारे प्यारे व्यक्ति जो रेपिस्ट हैं, उनके लिए एक पॉइंट आउट नहीं है, ये वार्निंग है। सऊदी अरेबिया बन जाएगा ये इंडिया, अगर ऐसा ना चाहते हो तो रहिए अपने कायदे में, और जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी है उसका इस्तेमाल कीजिए अपने फ्रस्ट्रेशन, अपना जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह निकालने का, अदरवाइज यू विल पे फॉर दैट। तो बीच चौराहे पे खड़ा करके तुम्हारा मेन पार्ट काट दिया जाएगा, तब मानोगे ना, इसलिए ठीक है। राधे राधे, राधे राधे, राधे।